अगर आपको फिल्मों में काम करना है या किसी मतलब आपको बॉलीवुड में एंटर करना है तो यू हैव टू स्टे इन मुंबई। अभी वो दौर बदल गया है जस्ट बिकॉज दैट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो अभी देख अभी सिनेरियो बदल गया है। अभी सिनेमा वो मोहब्बत की दास्तान है ना, वो टिपिकल प्रेम कहानियाँ ऊब गए लोगों से। आजकल हर कोई उठ के अपना छोटा सा चार दोस्तों को मिलके कुछ बना लिया, रील डाल दी, यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, अपने आप को एक्टर्स बोलने लग गए, व्यूज़ आ गए और अपने आप को समझते मैं एक्टर बन गया। तो क्या डिफरेंस देखते हो आप, क्या ये चीज़ सही है या क्या इसमें क्या है? बहुत बहुत, बहुत गलत है। आप देखिए, एक लड़की अपना बड़े अच्छे से वेल ड्रेसअप होके एक छोटा सा डांस का कुछ वीडियो डालती है, कुछ करती है, तो उसके लाइक आते हैं 500, ठीक है। वहाँ कपड़े कम करके डाल देती है तो 50,000 लाइक हो जाते हैं। तो आप सोचिए आपको क्या करना है, तो आपको सोचना है, ये तो आपको सोचना है। ऑडियंस तो हर चीज़ की है और गलत चीज़ों की ऑडियंस सबसे जल्दी है। दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ये ट्रांसजेंडर वाले और मुँह छाप करने के ऊपर से। जब मैडम ने देखा था बोला शौक थे सब, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। जैसे मुझे आश्रम जब रोल मिला, प्रकाश जैसन ने मुझे आश्रम के रोल के लिए कहा, तो मुझे सेट पे जाके पता लगा कि मेरा ये रोल है। वेलकम दोस्तों टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। जब हम बुक्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कहानियों की और किरदारों की, और यही किरदार और कहानियाँ और अच्छे हो जाते हैं जब उनको एक्टर्स उतारते हैं थिएटर्स में या फिर मूवीज़ में। आज हमारे बीच है डिम्पी मिश्रा सर, जिनको उत्तर प्रदेश संगीत और नाट अकेडमी अवार्ड मिला है। वो यंगेस्ट अवार्डी हैं और कई मूवीज़ में आपने उनको देखा होगा, थिएटर में तक है, वो रंगमंच में जाने माने नाम हैं। तो आइए बात करते हैं आज डिम्पी मिश्रा सर से और जानते हैं थिएटर रंगमंच की दुनिया के बारे में। सर, मोस्ट वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। यहाँ हम बुक्स की बात करते हैं, कहानियों की बात करते हैं, क्योंकि लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है जो लोग धीरे धीरे उससे दूर हो रहे हैं। तो एक प्रयास है इस शो के थ्रू हम लोगों का इंटरेस्ट डेवलप कर सके, उनको अच्छी अच्छी कहानी, अच्छी अच्छी किताबों के बारे में बता सके, और केवल कहानियों किताबों के बारे में नहीं, लिटरेचर फील्ड से और क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई अलग अलग बातें, जैसे कि थिएटर में आप स्क्रिप्ट राइटिंग हो, स्क्रीन प्ले हो, ये सब अपने आप में बहुत ही क्रिएटिव फील्ड्स हैं। तो हम कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करें ताकि लोग इनको समझ सकें और आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझा सकता। तो सर, आपकी जो जर्नी है, आपने रंगमंच में कई साल बिताए हैं, आपको उत्तर प्रदेश का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है, तो आपकी जर्नी कैसी थी, कैसे आप इस दुनिया में आए थिएटर में, थिएटर की फील्ड में कैसे आपने अपनी जगह बनाई? देखिए, मेरी शुरुआत मतलब मुझे तो याद भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, आई थिंक 5 या 6 साल का होऊंगा। तो मेरे फादर का बड़ा मन था कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, क्रिएटिव फील्ड में जाऊँ, थिएटर की दुनिया में जाऊँ, शायद वो करना चाहते थे तो वो नहीं कर पाए। तो बचपन से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस फील्ड में जाऊँ। तो बचपन में ही मेरा एडमिशन ऑलमोस्ट मैं शायद मैं 6 साल का रहा होऊंगा, 1st स्टैंडर्ड में होऊंगा, तब से थिएटर में धीरे धीरे समर वर्कशॉप और उसके थ्रू मेरा मेरी एंट्री हुई और मेरा दिल लगने लगा गाने में, कविताएँ याद करने में, है ना, कहानियाँ पढ़ने में। बचपन से वो कॉमिक्स और वो पूरी दुनिया, कैरेक्टर्स की एक दुनिया के बीच दिन रात कटने लगे। 6th स्टैंडर्ड तक आते आते मुझे मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर छोटे छोटे बच्चों के प्लेस में रोल्स मिलने लग गए और ऐसी ये जर्नी धीरे धीरे चलती रही। 8th 9th तक आते आते शायद ये एहसास हो गया मुझे कि मैं शायद अब कुछ और नहीं कर सकता, सिर्फ यही कर सकता हूँ। तो बड़ा सिंपल सा था, लेकिन वो जो बात कहानी किस्से और बचपन की जो उस ट्रेनिंग के साथ चल रही थी, उसका एहसास हुआ जब ड्रामा स्कूल के लिए मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया। तो इस बात का एहसास तब हुआ कि वो जर्नी में जो वो छोटा 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 इनपुट हमेशा से मिलता रहा था, वो अब बहुत काम आने वाला है। तो आज जो जब न्यू कमर्स लोग थिएटर की बात करते हैं या एक्टिंग में आने की बात करते हैं, तो उनके लिए वो बहुत बड़ा टास्क होता है जो हमारे लिए नहीं था। हमारे लिए बड़ा आसान हो गया था, किसी भी कविता को पढ़ना, वो राइम है या वर्स है, उसमें डिफरेंस क्या है, उसके लय में डिफरेंस क्या है, उसको पढ़ने के तरीकों में डिफरेंस क्या है, हमारे लिए खेलकूद था। जो आज समझाने में या किसी को समझने में बड़ी दिक्कत होती है, उसके लिए बड़ा टास्क होता है, ये सब हमारे लिए टास्क नहीं थे। तो बस ऐसी ये धीरे धीरे जर्नी चलती रही। देन आई डिड माई ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद देन आई गॉट सेलेक्टेड
भारतीय नाट्य अकेडमी, 2 साल वहाँ पढ़ाई की, उसके बाद मैंने शॉर्ट टर्म कोर्स FTII से किया और उसके बाद फील्ड में उतर गए। सर BLI का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, क्योंकि कहते हैं कॉलेज का एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत कम लोग हैं, हम लोगों के पास वक्त नहीं होता। मैं एक बात कहता हूँ कि जब आप पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़िए, जब आप सीख रहे हैं तो फिर सीखिए सिर्फ, है ना। उस बीच में अगर आपने कहीं से उस आर्ट से पैसा कमाना शुरू कर दिया तो फिर शायद वो सीखना कहीं रुक जाता है। आप कभी भी किसी बड़े गुरु से बात करेंगे या वो एक ट्रेडिशनल फॉर्मेशन जो है किसी भी आर्ट को समझने का या सीखने का, तो उस जमाने के लोगों से जब आप बात करेंगे तो आपको मैं जो कह रहा हूँ उस बात पर विश्वास होगा कि वो भी यही कहते हैं कि जब तक आप सीख रहे हैं तब तक कभी उससे कुछ अर्न मत कीजिए, पहले सीख लीजिए। क्योंकि जैसे ही आप अर्न कर देते हैं आपकी इच्छाएँ बढ़ जाती हैं, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, फिर आपके दिमाग का एक पार्ट उस अर्निंग की तरफ लग जाता है जो आपको डाइवर्ट करता है आपके लर्निंग प्रोसेस से। तो पहले किसी आप कितनी मुफलिसी में रहिए, दिक्कतों का सामना करते रहिए, लेकिन पहले सीखिए, सीख लीजिए, कुछ सीख लीजिए। सीखना तो पूरी ज़िंदगी जारी रहता है, कोई ऐसा इंसान नहीं, शायद कोई दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो किसी भी फील्ड में कहे आई एम द मास्टर। तो मास्टर तो कोई कभी नहीं होने वाला, इट्स एंडलेस प्रोसेस। बट कुछ थोड़ा सा समझ में आ जाए उतना वक्त तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। सो तो आप कहाँ से हैं बेसिकली? ओरिजिनली आई एम फ्रॉम आगरा, उसके बाद तो प्रॉपर आगरा सिटी से कि आगरा प्रॉपर आगरा सिटी, उसके बाद देन आई शिफ्टेड टू लखनऊ फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन ड्रामेटिक आर्ट्स। फिर लगभग मैं 7 साल लखनऊ में रहा, उसके बाद देन अगेन शिफ्टेड बैक टू आगरा 2010, और 10 साल लगभग वहाँ नए बच्चों के साथ काम किया, सैकड़ों की तादाद में बच्चे आए गए। तो हमारे स्कूल से एक हमने एक चैरिटेबल स्कूल शुरू किया बंगलोक अकेडमी के नाम से, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट थिएटर की ट्रेनिंग लगभग 10 साल तक हमने बच्चों को दी, जिससे लगभग 28 स्टूडेंट्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भारतीय नाट्य अकेडमी, FTII, SRFTII, MP स्कूल ऑफ ड्रामा, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो देश के ऑलमोस्ट ये जो 4-5 सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन हैं गवर्नमेंट के, वहाँ लगभग हमारे 28 बच्चे सेलेक्ट हुए। ये इस बात का संकेत। आपके यहाँ से पास आउट कुछ लोग जो अभी आज इंडस्ट्री में मतलब बच्चे पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट सारे लोग, कोई बैक स्टेज, कोई टेक्निकल, फिल्म में भी टेक्निकल, ये अभी सारे काम कर रहे हैं। क्योंकि निकलने के बाद भी आपको वक्त लगता है, है ना। आप किसी ड्रामा स्कूल से पढ़ लिए तो ये नहीं होता कि आप नेशनल स्कूल ड्रामा से पास आउट हो गए या BNA से पास आउट हो गए और निकलते ही आपको कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा या निकलते ही आपको कोई बड़ा काम मिलेगा। ये एक विडंबना है कि हम ये सोचते हैं कि आप जैसी किसी ड्रामा स्कूल से पढ़ लेंगे तो इमीडिएटली आपको कोई बड़ा रोल ऑफर हो जाएगा या कुछ बड़ा ऐसा कुछ। और ये हर फील्ड में, कोई इंजीनियरिंग करता है तो इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी, पहली नौकरी तो 20-25 हज़ार की लगती है ना, निकलते ही किसी कंपनी का CEO नहीं होता। लेकिन इस फील्ड के साथ ये विडंबना है कि लोग सोचते हैं कि आप किसी फिल्म स्कूल से पढ़ लेंगे या ड्रामा स्कूल से पढ़ लेंगे और निकलते ही फिर एकदम से सामने कोई बड़ा डायरेक्टर होगा जो आपको बड़ा रोल दे देगा, है ना, या कोई निकलते ही कोई एक बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। किसी फील्ड में नहीं होता। तो यहाँ भी उतने ही धैर्य की जरूरत है। जो एक जनरल परसेप्शन होता है, क्योंकि कोई भी आदमी पढ़ाई करता है अगर, तो या मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ, लोग इंजीनियरिंग डॉक्टर की वजह क्यों भागते हैं, क्योंकि लगता है 4 साल इंजीनियरिंग करी उसके बाद 1-8 साल स्ट्रगल रहा भी तो रहा, लेकिन एटलीस्ट 4-5 लाख 6 लाख की नौकरी तो लगी जाएगी। लेकिन थिएटर्स हो गए या एक्टिंग हो गई, इससे अभी भी एक मिडिल क्लास लोग थोड़ा घबराते हैं। मुझे लगता है यार थिएटर तो करता रहेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, क्या पैसा कमाएगा ये, कब कितनी उम्र तक थिएटर करता रहेगा, रोल कभी मिला नहीं मिला मूवी में क्या होगा। तो ये सोच क्या है, सही सोच है या सोच को बदलना चाहिए, क्या आपका क्या विचार है इसमें? देखिए मेरा तजुर्बा जो कहता है कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी अपनी थिएटर को दी, और बचपन में सोच लिया था तो फिर कोई और ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। और मैं आपको बताऊं, मैं कभी बेरोज़गार नहीं रहा, सिर्फ 6 दिन बेरोज़गार रहा। 23 जुलाई 2006 मैं FTII से अपना शॉर्ट टर्म कोर्स करके वापस आया, और 1 अगस्त को मुझे मेरा पहला काम मिला, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा में मुझे इन्वाइट किया गया। तो मेरा करियर वहाँ से शुरू हुआ, मेरी ज़िंदगी का पहला काम मुझे प्रोफेशनली जहाँ कुछ काम मेहनताना मिला वो काम शुरू हुआ। तो अब थिएटर करने के बाद
फिल्म स्कूल में शॉर्ट टर्म कोर्स करने के बाद आपको पहला काम क्या मिलता है कि आप एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का कल्चरल फंक्शन डायरेक्टर डिजाइन करते हैं। अब आपको किसी ने फिल्म में ऑफर नहीं किया, आपको किसी ने थिएटर में रोल ऑफर नहीं किया, आपको एक ऐसा काम मिला जहां वो समझते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज है, आप किसी को कुछ बता सकते हैं, किसी को कुछ समझा सकते हैं या कुछ कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी वर्सेटाइल। आप ये सोच के सिर्फ थिएटर में कदम नहीं रख सकते कि मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी। तो एक्टर क्या सिर्फ एक्टिंग करता है? उसे म्यूजिक की समझ नहीं होती, उसे सुर की समझ नहीं है, उसे ताल की समझ नहीं है, उसे बेसिक डिजाइन की समझ नहीं है, उसे स्टेज की समझ नहीं है, उसे लाइट की समझ नहीं है, हर समझ है, तभी वो शायद अच्छा कर पाएगा। तो तभी वो कर पाता है। अब इस इंतजार में बैठे रहना, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं किसी और के ऊपर नहीं थोपूंगा, लेकिन ये मेरा मानना है कि बीइंग अ पुअर फैमिली, मैं मिडिल क्लास भी नहीं कहूंगा, बहुत मुफलसी में जिंदगी जीने के बाद आपका पहला लक्ष्य क्या है कि आप जो करना चाहते हैं जिंदगी में उसी से अगर आपका जीवन चल जाए, वही करने से शायद आपको आपको क्लर्क की नौकरी नहीं करनी है, आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी नहीं करनी है, आपको किसी फैक्ट्री में नौकरी नहीं करनी है, आपको वही काम करना है जो आप सीखते आए हैं, है ना। शायद आपको कोई कहेगा कि मेरे नाटक में लाइट डिजाइन कर दो ना यार, आप ही का काम है, आपके फील्ड से रिलेटेड काम है। कोई आपसे कहे कि मेरा थोड़ा सेट में हेल्प कर दो या बैक स्टेज हेल्प कर दो, कर दो ना। कोई कहे कि मुझे ग्रुप सॉन्ग तैयार कराना है बच्चों को, तो करा दो ना, क्या दिक्कत है। फिर एक दिन आएगा कि आपको एक रोल करना है, तो फिर रोल कर लो, क्या हो गया। रिजिड रहना आई थिंक इस बात के लिए, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल दुनिया है, इस बात के लिए रिजिड रहना कि जब तक कोई रोल नहीं मिलेगा बड़ा मैं कुछ नहीं करूंगा, है ना, मैं पियोन की नौकरी कर लूंगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लोग देते हैं कि साहब मैं तो 10 साल तक पियोन की नौकरी करता रहा, फिर एकदम से मुझे इतनी बड़ी फिल्म मिल गई। तो मुझे लगता है कि ऐसे एग्जांपल्स, पता नहीं, एक पढ़े लिखे इंसान के लिए तो मुझे नहीं लगता कि पियोन की नौकरी करके रोल का इंतजार करना एक अच्छी बात है। तब तक क्या अपनी क्रिएटिविटी को मारने का फायदा है ना। तो जब तक एक फिल्म में बहुत बड़ा रोल नहीं मिल जाएगा तब तक मैं पियोन की नौकरी करूंगा, क्यों करूंगा। मैं पढ़ा सकता हूँ किसी को, मैं अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ, है ना, वो ज़्यादा बेटर है पियोन की नौकरी से। उसमें आप जिंदा भी हैं, आप रोज अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। शायद मेरा बहुत लंबा अरसा, 12 साल तक फ्रॉम 2006 टू 2017 मुझे कभी वक्त ही नहीं मिला कि मैं कहीं फिल्म के लिए अप्रोच करूँ या ऑडिशन दूँ, कभी वक्त ही नहीं था। अचानक से एक फिल्म आती है, एक दोस्त आते हैं, कहते हैं रोल कर लो यार, मैं डरते डरते रोल किया कि पता नहीं अब कर भी पाऊंगा। भूमि, हाँ, पहली फिल्म। तो मैंने बड़ा डर के बहुत रोल किया, तो करा तो समझ में आया कि तो वही तो है जो करते हैं, उसमें क्या है ऐसा, कर लिया। फिर बैक टू बैक मिलते जाते हैं रोल्स, हम करते जाते हैं, पर इंतजार नहीं करते कि जब कोई फिल्म आएगी तो ही कुछ होगा या तो ही हम जिंदा होंगे। तो रोज तो जिंदा है, रोज तो पढ़ा रहे हैं, रोज तो इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चों के साथ, रोज तो नए नाटक गढ़ रहे हैं, नई बात कर रहे हैं, नई स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव रोज कर तो रहे हैं, है ना, बैठे तो नहीं है। इस बहाने हम चार्ज भी हैं, इस बहाने हमारी प्रैक्टिस हो रही है। जिस तरीके से एक सिंगर रोज रियाज करता है, डांसर रोज रियाज करता है, तो एक्टर भी रियाज कर रहा है। तो जिस वक्त कोई ऐसा पुख्ता काम नहीं है उस वक्त आप ये कर लीजिए, तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि कोई ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में रोजगार नहीं है या आप जिंदगी नहीं चला सकते, है ना। मैं तो कुछ और कर ही नहीं पाया, कभी बेरोजगार भी नहीं रहा। बट शर्त यह है कि आपको हर आर्ट में मुकम्मल होना पड़ेगा, हर आर्ट में अपनी दखल रखनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि मैं तो सिर्फ डायलॉग बोलूंगा, सिर्फ एक्टर हूं, है ना। मुझसे एक सुर लगाने को कहा जाए तो मुझसे नहीं लगता, मुझसे जरा एक कोई कुछ कोई गा रहा है और कहा जाए कि जरा ढोलक पे से ताल मिला दो, थोड़ी थापी कर दो, भले ही प्रोफेशनल ना बजाओ पर कम से कम ताल में बजाई दो, तो वो भी नहीं होता मुझसे, है ना। हर किसी को हर फील्ड में एक्सपर्ट होना, एक्सपर्ट भले ना हो, पर एक्सपर्ट ना हो लेकिन आप बेसिक कॉमन सेंस। थिएटर इज अ कंपोजिट आर्ट, थिएटर की इंसान की आर्ट नहीं है, है ना, कि आपने एक म्यूजिक बजा दिया और उसके ऊपर एक डांसर ने डांस कर दिया। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन भी यही था आपसे अगला, कि
थिएटर, आप मूवीज भी करते हैं, आप थिएटर भी करते हैं, दोनों में डिफरेंस अगर मैं देख ऑडियंस के लिए जाऊंगी, थिएटर में क्या डिफरेंस है और मूवीज से हम उसको कैसे डिफरेंस देखिए, क्योंकि कहते हैं कि थिएटर आर्टिस्ट ज़्यादा मजे हुए आर्टिस्ट होते हैं। हाँ मजे, देखिए मजे इसीलिए होते हैं, मजा, मजने का मतलब क्या है, मजने का मतलब ये है कि दे आर मोर डेडिकेटेड। वो जो डिसिप्लिन है थिएटर का, जो आपको शुरू होता है शायद झाड़ू या पोछा लगा देने से रिहर्सल प्लेस पर, या रिहर्सल प्लेस पर पानी भर के ले आने से, या चाय पिला देने से शुरू होता है ना। आप हर चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना सीखते हैं, आपका कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई वहाँ डिफरेंट नहीं है कि नहीं ये कार से आता है तो डिफरेंट है, ये साइकिल से आता है तो ये वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। तो आप क्योंकि बिल्कुल ज़मीन से शुरुआत करते हैं, पहले आप प्रोनंसिएशन की बात करते हैं, डिक्शन की बात करते हैं, छोटे मोटे नाटकों को कहानियों को पढ़ने की बात करते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका तजुर्बा बढ़ता जाता है, आप जितना ज़्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना डेडिकेशन रिहर्सल्स में दिखाते हैं, आप प्रॉम्प्टिंग करते हैं, आप प्रॉक्सी करते हैं, तो फिर एक वक्त आता है जब आपको कहा जाता है कि हाँ भाई नाउ यू आर रेडी, अब आओ कुछ करो, तो एक छोटा रोल ऑफर मिलता है, फिर आप और वक्त देते हैं तो फिर उससे बड़ा रोल, फिर उससे बड़ा रोल। तो वो जो एक पूरी जर्नी है वो आपको मुकम्मल बनाती है, वो आपको प्रिपेयर करती है ना। क्योंकि जब फिल्म की बात आएगी तो वहां कोई आपको समझाने के लिए तो है नहीं, थिएटर में आप गलत करेंगे तो आपको डायरेक्टर चार बार करेक्ट करेगा, आपको समझाएगा नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ऐसा नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे चलो। फिल्म में तो नहीं होगा ना, फिल्म में तो आपके पास स्क्रिप्ट एक दिन पहले आएगी रात को, एक दिन पहले रात को आपके पास आपका सीन आएगा और सुबह आपको वो शूट करना। अब कौन बैठा है वहां पर आपको ये बताने के लिए कि नहीं इसका बैकग्राउंड ऐसे है वैसे है, करेक्टर प्रिपेयर करो ये करो। ये तो बड़ी बात है, जब कोई लीड रोल फिल्म में कर रहा है तो उसको वक्त मिलता है अपने करेक्टर को तैयार करने का, कि साहब 2 महीने पहले 4 महीने पहले उनके पास स्क्रिप्ट आ गई, फिर वो प्रिपेयर कर रहे हैं उस रोल को। ऐसा कितनों के साथ होता है जो लीड एक्टर्स है ना। व्हाट अबाउट शॉर्ट रोल्स, वो क्या कर रहा है, उनको तो एक रात पहले स्क्रिप्ट मिलती है। तो वो जो एक रात पहले स्क्रिप्ट जब मिलेगी और अगले दिन ही आपको परफॉर्म करना है, तो उसके पीछे एक लंबी तैयारी की जरूरत है ना। जैसे मुझे आश्रम जब रोल मिला, प्रकाश जैसन ने मुझे आश्रम के रोल के लिए कहा, तो मुझे सेट पे जाके पता लगा कि मेरा ये रोल है। सर तो किस्सा सुनाओ सही वाला, मतलब बड़ा कमाल का किस्सा है। मैं एक शो में इन्वॉल्व था, गेटा मैं वजन आगरा, तो अचानक से मेरे पास कॉल आया सर का कि भाई तुमको एक रोल करना है, तुम कल अयोध्या आ जाओ। तो अयोध्या डिस्टेंस है 12 घंटे का आगरा से, तो फिर कुछ नहीं सोचा तो मैं ड्राइव करके अयोध्या पहुंचा। तो बहुत बड़ा सेट था मेरे लिए, बहुत बड़ी बात थी, इतना क्राउड, इतने क्रू मेंबर्स, तो देख के थोड़ा शौक तो हुआ, पर क्योंकि पता नहीं था कि रोल गया, तो मैं सीधे सर के पास पहुंचा। सुबह 8:30 बजे उन्होंने बोला था, मैं 8 बजे पहुंच गया, बड़ा खुश हुए, बोले वाह वाह देखा वाह टाइम से आया। तो बोले कि हाँ भाई चलो तैयार हो जाओ। मैंने कहा सर क्या करना है, बोले तुमको ट्रांसजेंडर रोल करना है। अब मैं ट्रांसजेंडर, मैं आपको कौन से एंगल से ट्रांसजेंडर देख रहा हूँ, मुझे मैं 5 साल NCC कैडेट रहा, मैं कभी मैं मेरी आवाज़ मैं सर करा तो बोले तुम अच्छा फिर कैसे एक्टर हो तुम। देन मुझे वो मेरे लिए वो पल था कि मुझे डिसाइड करना है विद इन 2 मिनट्स कि ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और प्रकाश झा है ना, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा तजुर्बा हमारे सामने बैठा हुआ है, और वो मुझे ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक फिल्म उनके साथ उससे पहले और कर चुका था, मट्टो की साइकिल, जिसमें मैंने उनके दोस्त की भूमिका अदा की। तो वो बॉन्डिंग तो थी, उनका प्यार उनका आशीर्वाद तो था ही। देन आई डिसाइड कि ठीक है सर, और वैनिटी में कॉस्ट्यूम तैयार थी, मुझे साफ करो ठीक है तैयार हो जाओ, मैं तैयार बस। तो वो एक रात मुझे मिली सिर्फ, उसके बाद भी जब मैंने कहा तो सर कब से आना है, बोले वाह परफेक्ट। मैंने कहा तो कब से शूट है, बोले शूट पे हो तो। ये मेरा तजुर्बा कि एक सिर्फ एक रात मेरे पास है कंसीव करने के लिए कि जो करेक्टर मैं अगले 25-30 दिन तक शूट करने वाला हूं, उन 10 एपिसोड्स में मैं उसमें क्या करूंगा, है ना। नोबडी इज देयर टू गाइड मी। मैं अब मैं सर से नहीं पूछ सकता कि सर मैं क्या करूं, तो उनका सवाल होगा भाई तुम प्रोफेशनल एक्टर हो करो ना,
सवाल क्या पूछते हो? ये ठीक वैसा है, देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे फिल्म में रोल करने का मकसद वैसा है जैसे सपोज कि आपके यहाँ अगर एसी खराब हो गया तो आप एक मैकेनिक को बुलाते हैं। आप मैकेनिक को बुलाते हैं, मैकेनिक आपसे पूछता है सर कौन सा पेज खोलूँ, कैसे सही करूँ इसे, बताना थोड़ा, पूछता है आपसे? नहीं पूछता, नहीं पूछता, वो आता है अपना काम करता है, ठीक है। आपके कोई घर में प्लम्बर आता है, आपका पानी का टैप खराब हो गया, तो आपसे आके पूछता है सर कैसे खोलूं इस टैप को, कौन सी रिंच लगाऊं इसमें, कौन से प्लास से कसूं, पूछता है क्या? नहीं पूछता ना, अपना काम करता है। इट्स जस्ट लाइक दैट, इट्स सो प्रोफेशनल। हाँ, आपको सलाह कोई देगा, है ना, बीच में छोटी सी सलाह दी जा सकती है, आपसे डायरेक्टर छोटी सी बात कहेंगे, नहीं सर थोड़ा इसको है नहीं ऐसा कर दो, बट जो वो कह रहे हैं कि ऐसा कर दो, वो कैसे कर दो, ये आपको डिसाइड करना। दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ये ट्रांसजेंडर वाले और मुंह छाप करने के ऊपर से। जब मैडम ने देखा था बोला शौक थे सब, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। मैंने जब पहली बार फिर जब पूरा गेटअप में आया, पर मैंने उसके बड़े मजे लिए, कई दिनों तक, दो तीन दिन तक तो कोई पहचान नहीं पाया कि मैं मेल हूँ। मैं वो इतना मूड में रहता था, फिर उसमें जान बूझ के मैं मजे लेता था। मैंने कहा करना है तो करना है, तो वीडियो कॉल पर दिखाया था, शौक से ये क्या कर रहे हो उसके मजे हैं। तो फिर सारे सीनियर्स को कॉल किया, वो गेटअप दिखाया, तो एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। तो वो कैरेक्टर भी आपका बड़ा फेमस है। हाँ, तो उसके बाद मतलब फिर ऐसा तो नहीं और ट्रांसजेंडर के? नहीं, मैंने उसके बाद मैंने कोई मुझ वापस चाहिए अब तो। हाँ, नहीं 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 करना, नहीं करना, वो लंबा एक्सपीरियंस हो गया और बहुत कष्टदायक भी है। पूरे दिन उस कॉस्ट्यूम में रहना, बड़ी एक लंबी विग, आप हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, लेट नहीं सकते, आप 10 घंटे तक शूट पे हैं, बस वेरी टायरिंग। अब आश्रम का शायद सीजन 3 आने वाला है, तो हाँ उसमें फिर नहीं, मेरा तो एंड हो गया, दी एंड, मर्डर हो गया मैं कि शायद दोबारा नहीं, सीजन नहीं होगा और ये फिर जरा जरा हट के जरा बच के, ये कैसे होगी सर? ये भी ऐसी है, उसमें आपका कॉमेडी तो कॉमेडी है। देखिए एक मैं एक बात करता हूँ, मुझे मज़ा आता है करेक्टर रोल्स करने में, है ना। जैसे मेरे लिए इंस्पिरेशन है इनामुल हक, वो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि जब भी मैं उनका कोई करेक्टर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये है जो किसी का आपने रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते। वो चाहे जॉली एलबी में आपको पंडित की भूमिका में मिले, या आपको बेबी में एक अरेबियन ऑफिसर की भूमिका में मिलें, या महारानी में आपको एक ऑफिसर की भूमिका में मिलें, आप पहचान नहीं सकते उनके। आप डायलेक्ट के लिहाज से देख लें, गेटअप के लिहाज से देख लें, इवन बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन के लिहाज से देख लें। तो इट डिपेंड्स कि आप किससे मुतासर हो रहे हैं, आप किससे इंस्पायर्ड हैं। मुझे आज की डेट में जयदीप अलावत आप देखिए, वो जिस कैरेक्टर में आते हैं उस कैरेक्टर में बिल्कुल ढल जाते हैं, बिल्कुल। तो अभी देख, अभी सिनेरियो बदल गया है। अभी सिनेमा वो मोहब्बत की दास्तान है ना, वो टिपिकल प्रेम कहानियाँ ऊब गए लोग उससे। तो आप देखिए उसका असर ये है कि आज मैं नोएडा में हूँ, नोएडा से यहाँ मेरे पास ऑडिशन आ जाते हैं, है ना, कोई ऑडिशन क्रैक होता है, ज़रूरत होती है, हम काम करने जाते हैं। कहाँ था ये? अगर आपको फिल्मों में काम करना है या किसी मतलब आपको बॉलीवुड में एंटर करना है तो यू हैव टू स्टे इन मुंबई। अभी वो दौर बदल गया है जस्ट बिकॉज दैट OTT प्लेटफॉर्म्स और इतना सारा OTT का। सर मुझे ऐसा फील होता है OTT का कंटेंट, क्योंकि बड़ा कंटेंट होता है, उसमें शायद एक्सप्रेशंस, एक्टिंग, स्टोरी दिखाने का टाइम भी ज़्यादा। हाँ, एग्जैक्टली। तो थ्रिलर, अब जैसे कि मैं भी कोई रिसेंटली कोई थ्रिलर मूवी देखने गया था हॉल में, तो मुझे मज़ा नहीं आया, मतलब ऐसा था कि भाग रही है कहानी, क्योंकि अब वो ना OTT में ठहराव सा हो गया, लगता है ना इसमें कहानी दिखा रहे, डिटेल में दिखा रहे हैं एक एक चीज़, वो आदमी जा रहा है आ रहा है दरवाज़ा खोल रहा है, इतना डिटेल में चलता है कि वो मूवीज़ में देखने में मज़ा नहीं आता। तो आपका व्यू क्या है OTT और मूवीज़ को अगर मैं कंपेयर करूँ तो, क्योंकि धीरे धीरे PVRs का बिजनेस गिर रहा है। हाँ नहीं, क्योंकि अब जो फिल्म्स हैं वो भी तो आपके पास OTT प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, वो भी तो आपके पास, आप अमेजोन पर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं कोई भी फिल्म। तो एक असर वो भी है कि आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, तो लोग आलसी तो होते ही क्यों जाएंगे, लेकिन मतलब वेब सीरीज का जो एक क्रेज़ है वो अपने आप में
वाकई में एक रिवोल्यूशन है, वाकई में रिवोल्यूशन है, बशर्ते कि उनका कंटेंट उस तरीके का हो। आप सोचिए ना, आप बड़े, आप एक, एक अलग तरीके का माहौल है कि आप देखिए पंचायत जैसी वेब सीरीज सुपरहिट होती है, गुल्लक जैसा कंटेंट आता है। जब कोई हीरो या हीरोइन की बात ही नहीं करता ना, वो आम इंसान की बात करते हैं, आम करेक्टर्स की बात करते हैं, मोहल्ले की बात करते हैं, दुकानों की बात करते हैं, गाँव की बात करते हैं। कौन सोच रहा था, कौन सोच रहा था, है ना? फिल्म का मतलब ही था कि कोई अमीर और गरीब के बीच की दास्तान, कोई हीरो हीरोइन हो, कोई हीरो हीरोइन हो, कोई एक विलेन हो, है ना? अब यहाँ तो कोई विलेन नहीं है ना, आम आदमी की बात है, कोटा फैक्ट्री, बच्चों की पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई के मुद्दे की बात। आप देखिए कितनी वायरल होती है बच्चों के बीच। तो उसी तरीके के कंटेंट्स की अब डिमांड है, लोग कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ बदलाव देखना चाहते हैं। और ये खुशी की बात है, खुशी की बात है कि एक तरफ जहाँ गाली गलौच और अश्लीलता से भरा हुआ कंटेंट है आपके पास, है ना, उसकी ऑडियंस, उसकी जाहिर सी बात है कि ऑडियंस हर चीज़ ऑडियंस है, लोगों को पसंद है, वो देखें। लेकिन पैरेलली जब कोई आदमी कहानी के साथ कंटेंट की बात करता है, कहता है कि नहीं, मेरी कहानी में इतना दम है, इतना वजन है कि मुझे किसी गाली गलौज की ज़रूरत नहीं है, किसी अश्लीलता की ज़रूरत नहीं है, और वो हिट होता है, ये अच्छी बात है। जैसे जावेद साहब का एक कोट है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई दिक्कत ये नहीं है कि कंटेंट क्या बन रहा है, कंटेंट तो चार लोगों ने, पांच लोगों ने मिलकर बना दिया, है ना। मैं उनका कोट ही रिपीट करता हूँ कि उन्होंने लिखा कि चोली के पीछे क्या है गाना, एक आदमी ने लिखा, चार ने उसको कोरियोग्राफ कर दिया, दस ने उसके ऊपर डांस कर दिया। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि जब उसको 10 करोड़ लोगों ने देखा, है ना, तो वही बात है सर। मूवीज थे, OTT आया, OTT में अपना क्रेज लेके आया, थिएटर्स हमारे बीच में हमेशा से मूवीज से ही पहले थे, पर ऐसा क्यों है कि अभी भी थिएटर की मूवी रिलीज होगी तो एक बहुत वाइड बजट के साथ रिलीज होगी और मार्केटिंग होगी, पर हम इतना थिएटर करते हैं, लेकिन थिएटर देखने के लिए वही लोग जाते हैं जो थिएटर पसंद करते हैं। थिएटर की मार्केटिंग उस लेवल पे क्यों नहीं की जाती? उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, क्योंकि थिएटर में बजट का एक बड़ा इशू है ना। और दूसरी चीज ये कि थिएटर बड़े शहरों तक थोड़ा सिमट कर रह गया है। एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है जो हम देखते हैं कि अगर आप देश भर की बात करें तो आप देखें, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में आप देखिए मंडी हाउस साहब, है ना, मंडी हाउस में आपके पास 4-5 ऑडिटोरियम्स हैं, आपके पास बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं, वो सारे वहाँ डेली परफॉर्म कर रहे हैं। आसपास के इर्द गिर्द के लोगों को पता है कि यहाँ डेली कोई ना कोई शो किसी न किसी ऑडिटोरियम में चल रहा है, वो हैबिचुअल है, वो आते हैं, देखते हैं, जाते हैं। आप थोड़ा सा हटिए, नोएडा आ जाइए, कुछ नहीं है ना। जबकि अगर आप पेइंग कैपेसिटी की बात करें तो नोएडा में कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़रूरत है वहाँ एक पूरा एक माहौल क्रिएट करने की, किसी को इनिशिएटिव लेने की, जो हम अभी कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कि वहाँ पर भी बना पाएं हम। आगरा, मैं क्योंकि आगरा से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ रहा 10 साल, हमने बहुत लंबी जद्दोजहद का सामना किया, लंबी लड़ाई लड़ी। आज हमारे पास आगरा जैसे शहर में जहाँ प्रोफेशनल थिएटर ज़ीरो था, वहाँ पेड ऑलमोस्ट 2000 ऑडियंस है, क्योंकि हमने एक रेगुलरिटी वहाँ शुरू की। उसमें भी बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं, उसमें एक बड़ा ऑब्स्टेकल है मैच्योर और अमैच्योर थिएटर का, क्योंकि मैक्सिमम देश में बाकी शहरों में जो भी थिएटर हो रहा है उसमें बहुत सारा थिएटर, एक बड़ा पार्ट थिएटर का अमैच्योर लोगों के साथ है। अमैच्योर से मेरा मतलब ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, बात यह है कि वो फुल टाइम थिएटर को नहीं देते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो ना तो किसी का कुछ परफॉर्मेंस देखते हैं, ना दूसरों को देख के सीखना चाहते हैं। वो एक परिपाटी चली आ रही है जो पुराने जमाने में, अब आप सोचिए कि जब फिल्मों में एक्टिंग स्टाइल बदल गया, म्यूजिक बदल गया, ट्रीटमेंट बदल गया, थिएटर आज भी वैसे ही कर रहे हैं आप। उस जमाने में जैसे गागा के डायलॉग बोलते थे, आज भी वैसे गागा के बोल रहे हैं, जबकि थिएटर भी तो फिल्म की तरह बदल गया। अभी आप देखेंगे तो आप देखिए मुंबई में जो थिएटर हो रहा है, वो दैट थिएटर इज क्लोजेस्ट टू द
स्टाइल स्टाइल ऑफ फिल्म्स, वहां एक्टिंग स्टाइल फिल्म की स्टाइल से बहुत क्लोज है, जबकि बाकी जगहों पर जो थिएटर हो रहा है छोटे शहरों में, बी टाउन्स में जो थिएटर हो रहा है, उसकी स्टाइल आज भी वही है कि वो गागा के ही डायलॉग बोलते हैं, है ना, खींच खींच के डायलॉग बोलना, ढोलक बजा के, या फिर वो नहीं, वो अलग बात है, वो म्यूजिकल और वो अलग बात है, मैं सिर्फ एक्टिंग पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ कि वो आज भी वैसे गागा के डायलॉग बोलते हैं और वो मानते हैं कि नहीं यही है। फिर क्या होता है, फिर जब वो बाहर जाते हैं, जब जब उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वहाँ पढ़ने वाले बच्चे, और वो सोचते हैं कि अब हम फिल्मों में जाएं, तो उनको कोई जगह नहीं मिलती, क्योंकि उनका जो स्टाइल बन चुका है वो गागा के बोलने वाला, वो तो फिल्म में कहीं ठहरता ही नहीं है, वहाँ तो रियलिस्टिक अप्रोच की बात होती है। तो थिएटर बहुत बदल गया है, है ना। हमने शुरुआत की 2-3 साल तक लगातार किसी तरीके से करते रहे, उसके बाद जब लोगों ने देखा कि मेहनत कर रहे हैं आ रहे हैं, तो लोगों ने हमने बड़े हक से कहा कि प्लीज हमारा टिकट लीजिए। हाँ भाई क्यों नहीं लेंगे, जरूर लेंगे। लोगों ने टिकट लेना शुरू किया, आज हम टिकट लगा के शो करते हैं अपने शहर में, जहां कोई कल्पना नहीं कर सकता कि आगरा जैसे शहर में लोग टिकट खरीदेंगे, पर खरीदते हैं। हम कोई ग्रांट नहीं लेते सरकार से, कभी नहीं ली। मेरे को वही लगता है कि थिएटर्स को ना प्रमोशन की बहुत जरूरत है। अब देखिए एक्टर्स के लाइव शो भी तो होते हैं, चाहे वो सुनिधि चौहान हो, शाहरुख खान हो, सबके शो होते हैं और लोग हजारों की टिकट खरीद के जाते हैं देखने के लिए। वो थिएटर नहीं है, म्यूजिकल इवेंट है, पर थिएटर भी तो लाइव है। बस ये कि उसकी प्रमोशन या मार्केटिंग उस ढंग से नहीं होती शायद। तो देखिए हर चीज एफर्ट मांगती है ना। आप एक यूट्यूब चैनल ऑपरेट करते हैं, तो पहले दिन जब आपने शुरू किया था तो आपके 50,000 सब्सक्राइबर हो गए थे? नहीं, बिल्कुल स्लोली स्लोली। एक कंटिन्यूटी आपको बनानी पड़ेगी ना, आप कैसे हार मान सकते हैं, है ना। आप 5 साल की उम्र में बीटेक हो गए थे? नहीं हुए थे ना। नर्सरी से लेके 12th तक पढ़े थे, फिर आपने एग्जाम दिया था, फिर बीटेक की थी 4 साल, तो एक कितना लंबा वक्त लगा आपको एक इंजीनियर का टैग लेने में, आपको MBBS का टैग लेने में कितना वक्त लगा, लगे ना 20 साल 25 साल लगे ना। तो आप क्यों सोचते हैं कि आपने थिएटर शुरू किया और 4 महीने बाद ऑडियंस आपके दरवाजे पर खड़ी होगी, वहां आपके पोस्टर छपे होंगे एकदम आपके लिए? अरे टाइम लगता, तो वक्त लगता है। आप 5 साल की उम्र में शादी नहीं होती ना, उसके लिए लगता है ना 21 साल मिनिमम, अभी तो 40 भी लग जाते हैं। तो जब तक आदमी नहीं देखेगा कि आप कमाने लायक हो गए, तब तक अपनी बेटी कैसे दे देगा। ठीक थिएटर के साथ, ठीक हर चीज के साथ है कि जब तक आप ऑडियंस को ये विश्वास नहीं दिला देंगे, या ऑडियंस आपको देख के ये नहीं कह देगी कि यार क्या काम करते हैं, वाह, है ना, क्या आप में ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि आपको कोई देखे, बिल्कुल, तो क्यों देखेगा कोई आपको। या फिर आप ऐसा करिए 500-500 रुपये ऑडियंस में मार दीजिए और कहिए जो हम करते हैं कूड़ा, उसे आप देखिए, आपकी मजबूरी है। तो बहुत प्रैक्टिकल बात है, इसमें कोई ऐसी कोई दया और सहानुभूति की कोई बात नहीं है। सर आप टी सीरीज में HOD भी हैं। अब मैं एक चीज़ देखता हूँ, आजकल हर कोई उठ के अपना छोटा सा 4 दोस्तों को मिलके कुछ बना लिया, रील डाल दी, YouTube पे वीडियो डाल दिया, अपने आप को एक्टर्स बोलने लग गए, व्यूज़ आ गए और अपने आप को समझते मैं एक्टर बन गया। तो क्या डिफरेंस देखते हो आप, क्या ये चीज़ सही है या क्या इसमें क्या है? बहुत बहुत गलत है। देखिए हमारे पास भी कुछ भी अनशंड कॉमेडी करके अश्लीलता फैला के वीडियो बना देना यूट्यूब पे, ये होता क्या है? मैं एक बहुत ऑथेंटिक बात कहता हूँ कि आप अगर एक्टिंग की दुनिया को देखें, आप चाहते क्या हैं पहले आप ये सोच लें, है ना। आप एक मीडियोकर काम करके 500, 700, 1,000, 2,000, 3,000 लाइक ले लेना इंटरनेट पर, आपके सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, ये वो मकसद है, तो फिर करिए आपकी मर्जी। या कि एक ऑथेंटिक आर्टिस्ट आपको बनना है, है ना, जिसका सम्मान हो, इज्जत हो, कोई बात हो, तो आप डिसाइड कर लीजिए पहले, है ना। आप देखिए एक लड़की अपना बड़े अच्छे से वेल ड्रेसअप होके एक छोटा सा डांस का कुछ वीडियो डालती है, कुछ करती है, तो उसके लाइक आते हैं 500, ठीक है। वहां कपड़े कम करके डाल देती है तो 50,000 लाइक हो जाते हैं। तो आप सोचिए आपको क्या करना है, तो आपको सोचना है, ये तो आपको सोचना है। ऑडियंस तो हर चीज की है, और गलत चीजों की ऑडियंस सबसे जल्दी है, इसमें क्या है। तो जो आते हैं
अच्छा क्या हुआ कि वो कुछ उल्टा सीधा कुछ भी कुछ कर दिया, उस पर लायक आ गए वो चाची ताऊ मौसा मौसी पूरे खानदान में सबने लायक कर दिया। अब आप समझने लगते हैं कि अरे यार मैं तो स्टार हो गया, मैं तो स्टार हो गया। तो अब जब आप कहीं सीखने के लिए भी जाते हैं तो आप उस इमेज के साथ जाते हैं कि मैं तो ऑलरेडी जानता हूं, ये जानती हूं। और फिर जब आपके भ्रम टूटते हैं वहां पर तो आपका दिल टूट जाता है। आप कहते हैं मैं तो इंस्टाग्राम पर मेरे तो 50,000 फॉलोअर्स हैं और ये मुझे सिखा रहे हैं कि एक्टिंग ऐसे होगी या मैं ऐसे गाऊं या मैं ऐसे नाचूं। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत खतरनाक भ्रम है जो आपको उसी ख्यालों की दुनिया में जीने के लिए वापस भेज देता है। फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है नया सीखना। सही बात है, क्या करें सर। आपका जो थिएटर है रंगलोक, उसके बारे में तो बताया था कि ऑडियंस भी जान सके कि भाई नोएडा में भी एक रंगलोक थिएटर है और कैसे उसमें आप सिखाते हैं, क्या प्रोसेस है, ताकि यंग ऑडियंस जो हमको देख रही है एटलीस्ट वो थिएटर के बारे में जान सके। हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है नोएडा में कि मैं फुल टाइम गुजन कुमार फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ बच्चों को, वहाँ BSc और MSc सिनेमा के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो इट्स अ फुल टाइम कोर्स, वहाँ पूरे दिन काम करते हैं। ये एक मेरा छोटा सा एक इनिशिएटिव है जो चला आ रहा है पिछले लगभग 15 सालों से कि हम लोग एक ग्रुप के साथ काम करते हैं, कुछ थिएटर प्रोडक्शंस डिज़ाइन करते हैं, वो बना लेते हैं और उसके बाद फिर दो चार उसके शोज करने की कोशिश करते हैं सो दैट हम जिंदा रह सकें। है ना, जो आर्ट है, जो जो बेसिकली जो हमारा इंस्टिंक्ट है थिएटर, वो जिंदा रह सके। है ना, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं मतलब वो बच्चे आए, ऑथेंटिक बच्चे जिनको वाकई में जिनमें एक जुनून है ना, जो जो थिएटर में ही पूरी तरह रमना चाहते हैं, वो उसी को अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। बाद में जब सीख जाएं समझ जाएं उसके बाद कभी लगे फिल्मों में जाना है तो जाएं, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि वो थोड़ा सबसे बड़ा क्रेज तो वो है ही। तो वो हम शाम को एक छोटा सा एक रिहर्सल रखते हैं, लगातार रेगुलर काम करते रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नोएडा में भी थिएटर का वो एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर पाए। सर बहुत अच्छी बात है, नोएडा बहुत ज़रूरत है मेरे हिसाब से तो थिएटर की। बिल्कुल एग्जैक्टली, नोएडा में कोई थिएटर नहीं था। हाँ, अभी हमने एक दो शोज किए वहाँ, ये महामाया बालिका इंटर कॉलेज है गवर्नमेंट, वहाँ पर एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है वहाँ के प्रिंसिपल साहब के साथ मिलकर, तो उन्होंने हमें थोड़ा सा अलाउ किया कि आप करिए, तो कर रहे हैं हम धीरे धीरे कोशिश। श्योर सर। सर क्योंकि हमारा शो स्क्रिप्ट्स बुक्स थ्योरीज के बारे में बात करते हैं, तो जैसे मैं भी खुद भी राइटर हूँ, तो थिएटर में जनरली हम कहते हैं भाई जैसे मैंने नॉवल लिखी, तो नॉवल लिखने का एक तरीका अलग होता है, स्क्रीन प्ले लिखने का तरीका अलग होता है, थिएटर की स्क्रिप्ट क्या होती है, वो भी स्क्रीन प्ले बेस्ड होती है या स्क्रिप्ट बेस्ड होती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए मटीरियल है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन मटीरियल। तो रिटन मटेरियल कितने तरीके का हमारे पास है, जिसे हम टेक्स्ट कहते हैं बेसिकली। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म है कहानी, है ना, दो पन्ने की हो सकती है, एक पेज की हो सकती है, चार पेजेस की, सिक्स पेजेस की हो सकती है, उसका फॉर्मेट अलग है, एक फॉर्मेट अलग है। कहानी की बात फिर हम जब बात करते हैं तो कहानी के बाद बात आती है नाटक की, फिर उपन्यास की, उसकी लेंथ बहुत बड़ी है। तो नाटक जो है वो उपन्यास और कहानी के बीच की बात करता है। दोनों ही मीडियम्स में आप देखिए कैरेक्टर तो है पर कैरेक्टर खुद कम कह रहा है, जो राइटर है वो उस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, कहानी में भी उपन्यास में भी। नाटक में कैरेक्टर खुद डायलॉग के थ्रू अपनी बात कह रहा है, बेसिक डिफरेंस है ना, वहां सब टेक्स्ट भी है, बिटवीन द लाइन्स भी है, जहाँ कुछ राइटर्स इंटरप्रिटेशन है या राइटर्स इंस्ट्रक्शन है, जहाँ राइटर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अब ये चरित्र इस तरफ मुड़ के ये कहता हुआ या रोते हुए ये बात कहता हुआ या हंसते हुए ये बात कहता हुआ, बट जो मेन कंटेंट है वो कन्वर्सेशन है ना, बिटवीन 2, 3, 4 हाउ मेनी एक्टर्स रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर सीन। तो सीन्स में डिवाइड एक ऑलमोस्ट फिल्म की जैसी पूरी कहानी है ना, अब यहां शॉर्ट नहीं है, यहां सीन्स है। और एक बेसिक बात, जब हम कहते हैं कि एक प्लॉट, प्लॉट पर एक स्टोरी, स्टोरी की एक स्टोरी लाइन, कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट के बाद फिर उसका कंक्लूजन या रेजोल्यूशन,
तो ये जो तीन चीजें हैं, ये कहानी में भी है, ये नाटक में भी है, ये उपन्यास में भी है, और फिल्म में भी वही है कि कोई एक बात शुरू होगी, उसका एक प्लॉट है। क्या प्लॉट है? तो ये प्लॉट है साहब, है ना, कि लड़कियां भी एथलीट हो सकती हैं। तो आप दंगल जैसी फिल्म देखते हैं, प्लॉट क्या है? प्लॉट है कि लड़कियां, क्या लड़कियां एथलीट नहीं हो सकती? हो सकती हैं। अब इस प्लॉट पर पूरी कहानी, हालांकि वो एक मतलब सत्य घटना है, लेकिन एक कहानी की बेसिक बात कर रहे हैं, तो है तो कहानी। तो फिर उसके अंदर एक महावीर सिंह फोगट आता है, फिर उसकी वो इच्छा, तो कॉन्फ्लिक्ट। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट देयर इज नो स्टोरी, है ना, देयर इज नो कंटेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट जितना जटिल होगा, कहानी उतनी मजबूत होगी, उसका अंत भी उतना ही खूबसूरत होगा। तो नाटक की अपनी अलग दुनिया है। सर, आपसे बात करते हैं, मतलब शायद घंटों निकल जाएंगे। तो मैं इससे पहले हम शो के लास्ट पे जाएं, मैं आपको अपनी एक बुक गिफ्ट करना चाहता हूँ। ये मेरी बुक है, यू आर स्टिल द वन, एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक है। इसकी भी एक छोटी सी कहानी है जी। एक्चुअली माय मदर पास्ड अवे फ्रॉम कैंसर, तो हो गई बात को 5 साल करीब। तो जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो हमें डॉक्टर्स ने कहा कि इनके पास मतलब 3-4 महीने का ही टाइम है, इससे टाइम है नहीं, या फिर आप कीमो करवा लो तो शायद उनके लाइफ 7-8 महीने इंक्रीज़ हो सकती है। तो मेरी मतलब बहुत इंटेलिजेंट लेडी थी, वो सब गूगल वूगल करके पढ़ लेती थी, तो कहने लगी मैं कीमो कराऊंगी नहीं। कहती मुझे 7-8 महीने नहीं जीना कीमो करके तकलीफ में, मैं 3 महीने जीऊँगी पर खुशी से जीऊँगी। एंड शी लिव्ड हैप्पीली फॉर दोज 3-4 मंथ्स। तो बस वही चीज़ दिमाग में थी, तो मैं सोचा क्यों ना मतलब कैंसर से कोई बाहर भी आ सकता। तो ये कहानी है एक 17 साल की लड़की की, जो बहुत एम्बिशियस रहती है, पर उसको एक कैंसर डिटेक्ट होता है। अब उस कैंसर के लिए वो दिल्ली आती है इलाज के लिए, अपने रिलेटिव के यहाँ रुकती है। तो उसका कज़न है, उस कज़न की गर्लफ्रेंड है, और वहाँ उसकी मुलाकात होती है जो उसकी डॉक्टर है, उसके बेटे से, जो कि एक आर्मी कैडेट है, जो अभी IIM से पास आउट ही हुआ, एक महीने के ब्रेक पर आया हुआ। अब इन चारों की फ्रेंडशिप हो जाती है। अब वो जो 3 लोग हैं इस लड़की को अलग करके, वो 3 ये डिसाइड करते हैं कि यार ना, हम इसको इतना मोटिवेट करेंगे हर कीमो से पहले कि ये खुशी खुशी कीमो कराएगी, क्योंकि फ्रेंडशिप बॉन्ड ऐसा रहता है। तो बोले एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाते हैं कि भाई हर कीमो से पहले तुम जो विश करोगी, तुम हमारी क्वीन हो, जो विश करोगी वो हम सब करेंगे। तो इसमें हर कीमो से पहले वो विश करती है, जैसे कि पहली विश होती है कि मुझे ना 20 सड़क पर ईयरफोन लगा के डांस करना है, और मैं चाहती हूँ तुम सब भी डांस करो, लेकिन कोई साथ में नहीं करेगा, हम सब अलग अलग जगह करेंगे और हम लाइव करेंगे फेसबुक पर। जैसे ये लड़की पंचशील में डांस करती है, इसका कज़न जो है वो कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में करता है, उसकी गर्लफ्रेंड आउटर सर्कल में करती है, जो दूसरा लड़का है वो एम ब्लॉक मार्केट में करता है, तो सब ईयर प्लग्स लगा के फेसबुक पर लाइव डांस करते हैं। तो ये मतलब इस पूरी कहानी में ना होती है, कहानी कैंसर के ऊपर है, पर इतनी लाइवली और इतनी स्माइल भरी कहानी कि आप पूरे हर पेज में स्माइल करते रहोगे, और उस स्माइल की बदौलत ना वो लड़की कैंसर से बाहर आ जाती है। ग्रेट। तो ये कहानी उसी के ऊपर है कि कैसे वो आर्मी कैडेट उसको पूरा उस कैंसर से बाहर निकाल के आता है। इट्स अ रोमांटिक स्टोरी। तो मैंने कहा आप क्योंकि थिएटर से हैं, स्टोरीज की बात करते हैं, तो मैंने कहा ये बुक आपको गिफ्ट करी जाए। जरूर जरूर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड सर, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आप बहुत इंसाइटफुल बातें आपने बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक थिएटर का कंटेंडर बढ़ गया, मतलब मैं थिएटर का बहुत दीवाना हूँ। थैंक यू, अब मैं आपके सारे शो देखने आऊँगा। साथ दीजिए, दर्शक भी जो नोएडा में देख रहे हैं हमें, वो हमसे जुड़े और हम सब मिलके नोएडा में एक अच्छा थिएटर का एटमॉस्फेयर। मैं सर सारी थिएटर की जो डिस्क्रिप्शन लिंक्स है ना, इंस्टाग्राम ID, ताकि लोगों को पता चले कि कब कौन सा प्ले हो रहा है। हाँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, ताकि किसी को अगर शो में इंटरेस्ट है, देखना चाहता है थिएटर, तो कैन एटलीस्ट कॉन्टैक्ट कर, यू कैन सी इट। जरूर। तो थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो सर, थैंक्स फॉर योर टाइम सर।